अभी कुछ टाइम के पहले धनुष स्टारिंग कर्नल मूवी को थिएटर्स में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ में रिलीज किया था, और 50% ऑक्यूपेंसी के साथ में रिलीज करने के बाद में भी ना इस मूवी ने मास्टर मूवी के बाद में 2021 की ये सेकेंड मूवी है जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया था तमिल इंडस्ट्री के अंदर। और अभी इसी मूवी को लेकर के मतलब धनुष स्टारिंग कर्नल मूवी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है कि इस मूवी का भी रीमेक बनाया जा रहा है। अब इस रीमेक वाले शब्द को सुनने के बाद बिना सबसे पहले ख्याल जो आता दिमाग के अंदर वो है बॉलीवुड, कि इस बार बॉलीवुड कर्नल मूवी को रीमेक करेगा और कौन सा हीरो इसके राइट्स खरीदने वाला है, कौन सी प्रोडक्शन टीम है जिसने कर्नल मूवी के राइट्स खरीदे। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार कर्नल मूवी मतलब कि धनुष स्टारिंग तमिल मूवी कर्नल को बॉलीवुड के अंदर रीमेक नहीं किया जा रहा। अगर वाकई में कर्नल को बॉलीवुड के अंदर रीमेक किया जा रहा होता तो अब तक तो उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके होते। लेकिन फाइनली कर्नल मूवी को बॉलीवुड में रीमेक नहीं किया जा रहा, इसको बल्कि तेलुगु के अंदर रीमेक किया जा रहा है। कर्नल मूवी के जो राइट्स हैं वो ऑलरेडी तेलुगु मूवी के प्रोड्यूसर वेलमकोंडा के फादर ने खरीद लिए हैं। कर्नल मूवी के तेलुगु वर्जन के अंदर वेलमकोंडा आपको इसमें धनुष का रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाले। अब देखो वेलमकोंडा के बारे में जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये तेलुगु मूवीज के अंदर काम करते हैं और इनके जो फादर है वो एक प्रोड्यूसर है तेलुगु मूवीज के अंदर ही, और मोस्टली अपनी हर फिल्म के अंदर ये अपने बेटे को ही कास्ट करते हैं। और इनकी कई सारी मूवीज हैं जो फ्री टाइम के ऊपर आप अगर अपने घर पे बैठ कर टीवी देख रहे होते हो तो इनकी मूवीज बीच बीच में आती रहती है। बाकी फिर भी जाकर के आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हो इनकी मूवीज की लिस्ट को। देखो वैसे तो वेलमकोंडा के बारे में अगर आप रिसर्च करने बैठोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, और ना ही इनकी जो एक्टिंग लेवल है वो धनुष के आसपास में भी अटकती है। ये अपडेट जान के आपको कैसा लगा कि कर्नल मूवी के रीमेक मतलब तेलुगु वर्जन के अंदर आपको वेलमकोंडा धनुष वाला रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाले, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार देना, कहीं से भी घूमते फिरते चैनल पे आ गए हो तो एक सब्सक्राइब मार देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।